नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा एक ऐसा संघ है जिसे सबसे पहले कॉर्डेटा संघ के एक उपसंघ के रूप में शामिल किया गया था। क्यों शामिल किया गया था? इसका कारण यह है कि ये माना गया कि हेमिकॉर्डेट्स के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कॉर्डेटा से मिलते हैं, जैसे गिल्सलेट का उपस्थित होना, नरोकार्ड का उपस्थित होना, और सबसे मुख्य जो कैरेक्टर है वो है नोटोकार्ड की उपस्थिति। परंतु वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके ये बताया कि इनमें पाए जाने वाली जो नोटोकार्ड होती है वह नोटोकार्ड वास्तविक नहीं होती है, अतः इसे कॉर्डेटा से हटाकर एक अलग संघ का दर्जा दिया गया है। तो चलिए जानते हैं हेमिकॉर्डेटा के बारे में। तो हेमिकॉर्डेटा जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, हेमी और कॉर्डी। हेमी का मतलब होता है हाफ और कॉर्डी का मतलब होता है कॉर्ड या रज्जू। अर्थात हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत उन जंतुओं को शामिल किया जाता है जिनमें जिनमें आधे कॉर्डेट जंतुओं के समान लक्षण पाए जाते हैं, जिनमें कॉर्डेट जंतुओं के समान आधे लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे जंतुओं को हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगर हम परिभाषिक दृष्टिकोण से बात करें तो इस संघ के अंतर्गत उन जंतुओं को शामिल किया जाता है जिनका शरीर लंबा, बेलनाकार, कोमल तथा कृमि के समान होता है। इस संघ के अंतर्गत उन जंतुओं को शामिल किया गया है जिनका शरीर लंबा, बेलनाकार, कोमल तथा कृमि के समान होता है तथा नोटोकार्ड जैसी संरचना पाई जाती है। नोटोकार्ड जैसी संरचना पाई जाती है परंतु नोटोकार्ड नहीं होती है, इसी कारण इनको जो है एक अलग संघ का दर्जा दिया गया है। देखिए, इस संघ को इनवर्टिब्रेट व वर्टिब्रेट के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। इस संघ के जो जंतु हैं उन्हें इनवर्टिब्रेट व वर्टिब्रेट के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कनेक्टिव लिंक? क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टर्स जो है वो इनवर्टिब्रेट फाइला जैसे इकाइनोडर्मेटा और एनिलिड से मिलते हैं। इस कारण से इस संघ के जंतुओं को कार्डेटा और वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। चूंकि इस संघ के जंतु कार्डेटा संघ से समानता प्रदर्शित करते हैं, इस कारण से इसे हाफ कार्डेट्स कहा जाता है, अर्ध कशेरुकी कहा जाता है। सामान्य तौर पर हेमिकॉर्डेटा के जो सदस्य हैं उन्हें टंग वर्म कहा जाता है या एक्रॉन वर्म कहा जाता है। इन्हें सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है? टंग वर्म या एक्रॉन वर्म कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें, सामान्य कैरेक्टर्स की बात करें तो यहां पर हम ये देखते हैं कि इस संघ में पाए जाने वाले जंतु जो है वो मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं तथा समुद्री जल के किनारे जो है ये सुरंग बना के रहते हैं और इनका सुरंग भी काफी इंटरेस्टिंग होता है। जैसे बेलेनोग्लासस जो है वो यू शेप्ड सुरंग बनाता है, यू शेप्ड सुरंग बनाता है, यू के आकार का सुरंग बनाता है। दूसरे लक्षण की तरफ जाएं तो हम ये देखते हैं कि ये सॉलिटरी या समूह वाले होते हैं, अर्थात इसके जो सदस्य हैं या तो अकेले जीवन यापन करते हैं या फिर समूह में कॉलोनी बनाकर जीवन यापन करते हैं। तीसरे कैरेक्टर की तरफ चले और तीसरा कैरेक्टर हम ये देखते हैं कि इन जंतुओं का जो शरीर है कोमल कृमि के समान होता है तथा तीन भागों में बटा हुआ होता है। इन जंतुओं का शरीर कैसा होता है? कोमल होता है, कृमि के समान होता है तथा तीन भागों में बटा हुआ होता है। पहला है प्रोबोसिस, दूसरा है कॉलर तथा तीसरा है धड़ या ट्रंक। अगर हम यहां पर बात करें तो ये जो सबसे पहला जो भाग आप देख रहे हैं ये है प्रोबोसिस का, जो मध्य वाला भाग है वह है इसका कॉलर का, और तीसरा जो भाग आप देख रहे हैं ये है इसका धड़ या ट्रंक वाला भाग। चलिए आगे हम देखें, अगर हम इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चौथे लक्षण में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आर्गन लेवल का होता है, कुछ अंगी स्तर का होता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं तथा त्रिस्तरीय होने का मतलब क्या है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म लेयर्स पाई जाती है। साथ ही ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, द्विपार्श्वीय सममित होते हैं। क्योंकि लंबे जंतु हैं, बेलनाकार जंतु हैं, इस कारण से ये कैसे होते हैं? बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और ये सिलोमेट होते हैं।
सिलो में एंटीरोसिरस सिलो इसमें पाई जाती है। चलिए एक और कैरेक्टर्स की बात करें, फिफ्थ कैरेक्टर की बात करें, तो इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स है वो एब्सेंट होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं। वहीं पर अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें, श्वसन की बात करें, तो श्वसन के लिए इनमें गिल स्लाइट पाई जाती, गिल स्लिट पाए जाते हैं, गिल छिद्र पाए जाते हैं, या कभी कभी इन जंतु, ये जो जंतु है वो शरीर की बाह्य सतह के द्वारा भी रिस्पायरेशन करते हैं, शरीर के बाह्य सतह के द्वारा भी ये रिस्पायरेशन कर लेते हैं। अब यहां पर चलिए देखिए एक्सक्रिएशन, अगर हम एक्सक्रिएशन की बात करें तो एक्सक्रिएशन जो है यहां प्रोबोसिस में पाई जाने वाली एक ग्रंथि होती है जिसको प्रोबोसिस ग्लैंड कहा जाता है, उसके द्वारा होता है। एक्सक्रिएशन की क्रिया किसके द्वारा होता है? कि प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा होता है या ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है, ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है। एक और कैरेक्टर्स पर चले, रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम इस कैरेक्टर को शामिल करें तो अगर हम देखते क्या है कि ये यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल होते हैं, एकलिंगी या द्विलिंगी होते हैं। इनमें नाइन्थ कैरेक्टर अगर देखें, फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है, निषेचन की जो क्रिया है, या तो शरीर के अंदर होगी या शरीर के बाहर होगी, अर्थात इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। वहीं पर एक और महत्वपूर्ण कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो इनके विकास, इनके विकास की अगर हम बात करते हैं तो इनमें विकास जो है वो अप्रत्यक्ष विकास होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसका मतलब यह है कि इनके इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है भाई? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है उनमें लार्वा पाया जाता है। अगर लार्वा पाया जाता है तो कौन सा लार्वा होता है? इनका जो लार्वा है वो टॉर्नेरिया लार्वा कहलाता है, टॉर्नेरिया लार्वा कहलाता है। इसे आप अवश्य रूप से, निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, ये आपके नीट के एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। चलिए तो आपने इस प्रकार से देखा कि हेमिकार्डेटा के जो सामान्य लक्षण है वो कौन कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। हेमिकार्डेटा को मुख्य रूप से दो क्लास में बांटा गया है। इसकी मुख्य रूप से कितनी क्लास है? दो क्लास है। और दो क्लास कौन कौन सी है भाई? एंटेरोपेनिस्टा और दूसरी है टेरोब्रैंकिया, एंटेरोप्यूनिस्टा और दूसरा है टेरोब्रैंकिया। अगर हम इनका डिफरेंस करते हुए कैरेक्टर्स देखें, इनमें अंतर स्पष्ट करते हुए कैरेक्टर देखें, तो हम क्या देखते हैं कि एंटेरोपेनिस्टा के जो सदस्य होते हैं वो सॉलिटरी होते हैं, अर्थात वो एकल रूप से जीवन यापन करते हैं, जबकि टेरोब्रैंकिया के जो सदस्य होते हैं वो समूह में रहते हैं और कॉलोनियल रूप में जीवन यापन करते हैं। तो सबसे पहला अंतर दोनों में यही हो गया। दूसरे अंतर की बात करें और दूसरे कैरेक्टर्स की भी बात करें तो इनमें पाए जाने वाली जो एलिमेंट्री कैनाल है वो सीधी होती, स्ट्रेट होती है, जबकि टेरोब्रैंकिया में पाई जाने वाली जो एलिमेंट्री कैनाल है वहां एलिमेंट्री कैनाल सीधी नहीं होती बल्कि यू शेप्ड होती है। कैसी होती भाई? यू शेप्ड होती है। तीसरे लक्षण और अंतर की तरफ जाएं तो हम ये देखते हैं कि एंटेरोप्यूनिस्टा के जो सदस्य होते हैं उनमें बहुत सी गिल स्लाइट्स पाई जाती है, उनमें बहुत सारी गिल स्लाइट्स पाई जाती है, जबकि टेरोब्रैंकिया के जो सदस्य है उनमें गिल स्लाइट या तो उपस्थित हो सकती है या अनुपस्थित हो सकती है, दोनों कंडीशन है। लेकिन एंटेरोप्यूनिस्टा में क्या है, बहुत सारी गिल स्लाइट पाई ही जाएगी, अर्थात उपस्थित जरूर होती है लेकिन इनमें उपस्थित हो भी सकती है और अनुपस्थित हो सकती है। तो एंटेरोप्यूनिस्टा के सदस्य क्या है? एंटेरोप्यूनिस्टा के सदस्यों की बात करें तो जैसे बेलेनोग्लासस या सेक्कोग्लासस, बेलेनोग्लासस या सेक्कोग्लासस है, जबकि टेरोब्रैंकिया के सदस्य की बात करें तो सिफेलोडिस्कस और रेप्डोप्लूरा, सिफेलोडिस्कस और रेप्डोप्लूरा इसके मुख्य एग्जाम्पल्स हैं। तो दोस्तों आपने इस प्रकार से देखा कि हेमिकार्डेटा क्या है, उसके सामान्य लक्षण क्या है और उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।